जैन साथी, उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग के माध्यम से खंड शिक्षा अधिकारी की जो भर्ती है वो जल्दी होने के आसार दिख रहे हैं। जी हाँ, चुनाव के बाद ही आपको भर्ती देखने को मिल सकती है। सबसे पहली बात तो यह है कि यह भर्ती 4 से 5 साल के अंतराल पर आते हैं और इस भर्ती प्रक्रिया में केवल केवल जो बीएड की अभ्यर्थी होते हैं, ध्यान रहिए बात, केवल केवल बीएड की अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। और बीएड के साथ साथ कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर, इसमें बीटीसी के अभ्यर्थी या ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने डीएलएड कर रखा है, क्या वे इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे या उस भर्ती में आवेदन के पात्र होंगे? ऐसे सवाल आप सभी के मन में आता होगा, तो एक बात स्पष्ट जान लीजिएगा, इस भर्ती प्रक्रिया में केवल केवल बीएड के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, बीटीसी या डीएलएड के भर्ती में आवेदन नहीं कर सकते। दूसरी बड़ी बात यह है कि क्या इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आपको टेट या सीटेट पास होना अनिवार्य? जी नहीं। तो दो बातें एकदम स्पष्ट जान लीजिएगा, इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए आपके पास स्नातक और बीएड है, आप ग्रेजुएशन है, चाहे बीएससी है, बीए है, बीबीए है, बीकॉम है या कोई अन्य स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया हुआ है आपने, और साथ ही साथ अगर आप बीएड है तो आप खंड शिक्षा अधिकारी के लिए आवेदन कर पाएंगे। तैयारी एक दिन में नहीं होती, इसलिए आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आपको खंड शिक्षा अधिकारी बनना है तो आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, ये एक महत्वपूर्ण पद माना जाता है। बाकी इससे जुड़े हुए जो भी सवाल होंगे हम इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से आपके देते रहेंगे। एक सवाल आ रहा है कि अब आवेदन शुरू हो गया? जी नहीं, अभी इस प्रक्रिया में अगर हम बात करें तो जो अध्याचन है वो शुरू है। जैसा कि आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का 1573 आरटीआई के एक जवाब में आयोग ने स्पष्ट किया है क्या था कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 माने आरटीआई 2005 के अंतर्गत प्राप्त प्रार्थना पत्र रजिस्ट्रेशन संख्या इतने में 3/2/2024 जन सूचना प्रकोष्ठ क्रमांक इतने आयोग ने 23/2 को प्राप्त जो एतद् द्वारा बिंदुवार है क्या है ये देखिएगा। आयोग की आगामी खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा है तो शासन विभाग से ध्यान देने वाली बात यह है कि आयोग आगामी खंड शिक्षा अधिकारी ध्यान दीजिएगा आगामी खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा है तो शासन विभाग से अध्याचन प्राप्त हुए। अध्याचन माने पदों का ब्यौरा जुटाया गया है, जल्द ही खंड शिक्षा अधिकारी का पिटारा खुल जाएगा। अध्याचन प्राप्त विसंगतियों के संबंध में शासन विभाग से पत्राचार किया जा रहा है, विसंगतियों में निराकरण के बाद विज्ञापन यथासमय आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। माने जो पत्र प्राप्त हो रहा है उस पत्र में कहीं ना कहीं कुछ विसंगतियां हैं और उस विसंगतियों को खत्म करने के बाद जल्द ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती की विज्ञप्ति कर सकता है। अभी आपने देखा है कि परीक्षाओं जो लोक सेवा आयोग करा रहा था उस परीक्षा को पोस्टपोन कर रहा है, तो यह भी स्पष्ट है कि परीक्षा तुरंत नहीं होने वाली है, मतलब इस परीक्षा में कम से कम 5 से 6 महीने का समय मिल सकता है। तो जो अभ्यर्थी बीएड करके अभी बैठे हुए हैं भर्ती के, या कुछ ऐसे भी बीएड अभ्यर्थी जो नौकरी कर रहे हैं, जो शिक्षक बन चुके हैं, कुछ ऐसे भी बीएड के अभ्यर्थी हैं जो अलग स्टेट में शिक्षक बन चुके हैं, उनके लिए ये जो यूपी बीईओ है जो लोक सेवा आयोग के माध्यम से परीक्षा होगी वो अपनी तैयारी आज से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये परीक्षा 2 चरणों में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के आधार पर होता है। प्रारंभिक परीक्षा केवल क्वालिफाई करना होता है, मुख्य परीक्षा अंक के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है, इंटरव्यू इस परीक्षा में नहीं होते, तो ये भी आप लोग जानते रहिएगा। यहाँ पे कहा गया है कि रिक्तियों का विवरण श्रेणीवार तैयार न होने का वांछित सूचना भी दे नहीं, माने जो रिक्तियां हैं जो पद है वो ब्यौरा भी आरक्षण के हिसाब से नहीं है, क्योंकि इसमें जो पद की संख्या आती है वो हमेशा 300 के लगभग पद की संख्या होती है। बीएड के अभ्यर्थी तो होंगे लाखों की संख्या में, लेकिन सभी बीएड के अभ्यर्थी खंड शिक्षा अधिकारी बन ये जरूरी नहीं है, तो बन 300 से कभी 300 से ज्यादा होती, कभी 300 से कम, मतलब 300 के लगभग ही पदों की संख्या होती है। इसमें वही अभ्यर्थी सफल हो पाते जो रेगुलर मेहनत कर रहे हैं, जो लगातार अपना बेस्ट और बेहतर दे रहे हैं। इसकी जो सिलेबस, उस पर मैंने वीडियो बनाई, आप जाकर देख सकते हैं इसके, तो यहाँ पर देखिए गया कि 2024 संबंधी रिक्तियों का विवरण विभाग पदवार श्रेणीवार तैयार न होने के कारण अधिसूचना भी दे नहीं, मतलब अभी श्रेणीवार पदवार जो ब्यौरा है वो तैयार नहीं है, इस वजह से यहाँ पे दे नहीं जा रहा है। मतलब एक बात तो स्पष्ट हो गया, उत्तर प्रदेश में जल्द ही खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर आप खंड शिक्षा अधिकारी बनने का सपना सजोए हैं तो यह आपकी तैयारी आज से अपनी शुरू कर देनी है, आने वाले कंध का इंतजार नहीं करना है। इसके लिए मैं, अगर आप कहेंगे तो एक अलग से वीडियो में बना दूंगा कि कौन सी किताबें पढ़नी, उसके लिए मैंने वीडियो बना के रखी है सिलेबस के आधार पर। यहाँ पर एक बात ये जान लीजिएगा कि सबसे पहले किस तरह के पेपर होते हैं और क्या क्या आपको पढ़ना है। देखिए, अगर आप नोट संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर नोट संबंधित सभी जानकारी ले सकते हैं।
मेरे द्वारा निःशुल्क क्लासेज आपके लिए ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जल्द ही खंड शिक्षा अधिकारी की शुरू कर दी जाएगी। माने आने वाले सोमवार से आपको खंड शिक्षा अधिकारी की एक पूरी सीरीज, प्री की जो सीरीज होती है ये पूरी सीरीज आपको निःशुल्क मिलेगी, जहां पर हम एमसीक्यू थ्योरी दोनों सीरीज लेकर चलेंगे। एक तरफ थ्योरी की क्लास होगी, दूसरी तरफ एमसीक्यू की क्लास होगी, और आप चाहें तो सेशन में जुड़ सकते हैं, आपकी इच्छा है। सोमवार से हम क्लासेस शुरू करेंगे, रेगुलर क्लास होगी, हर दिन होगा। और इसमें देखिए, सभी पढ़े जरूरी नहीं है, जो पढ़े वो सफल हो, और पढ़ने वाली संख्या कम है, बाकी फॉर्म भरने के बाद सभी पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो अभी से पढ़ना शुरू करें, जो आज से आने वाले कल की तैयारी के लिए लग जाएंगे। तो यहां पर ये बातें आप लोगों को जानना है कि 120 प्रश्न मिलते हैं 120 मिनट में एमसीक्यू। यहां पर निगेटिव मार्किंग भी होगी, ऋणात्मक अंक भी होगा। इसमें जीएसजी के सवाल होते हैं, मैथ रीजनिंग के भी सवाल होते हैं, इसमें करंट अवेयरनेस के भी सवाल होते हैं, विविध के भी सवाल होते हैं। मैंने ये पूरा जो पेपर है, यूं कह सकते हैं सीसेट और जीएस दोनों मिलाकर जो उसका छोटा भाई है, वो आपको बीओ प्री परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा में होता है। और आप सभी को ये जानना होगा कि 300 अंकों का पेपर होता है, लेकिन आपको जो पूरा फोकस करना है, हम इसे क्वालिफाई करें, मतलब 120 प्रश्न में आपको अधिकतम अंकों पर प्रयास करना है। और याद रखिए, सभी नहीं पढ़ रहे हैं, इसके परीक्षा का पैटर्न क्या है, इसका प्रीवियस ईयर पेपर क्या है, उस सब पर हम कंप्लीट आपके लिए वीडियो बना देंगे। लेकिन उसके लिए आप लोग हर दिन अपनी तैयारी को बेहतर और आगे बढ़ाते रहिएगा। इसमें के बाद इसकी मुख्य परीक्षा होती है, इस मुख्य परीक्षा के आधार पर ही अंतिम मेरिट बनती है, और इसी आधार पर सिलेक्शन भी होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें जीएससी की होती है, ये भी रिटर्न एग्जाम होता है, ये लिखित परीक्षा होती है, अति लघु उत्तरी होती है, लघु उत्तरी होती है, और इसको लिखने का प्रक्रिया क्या है, हम जब सेशन की शुरुआत करेंगे तो वहां पर हम प्री और मेंस को एक साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि इन दोनों को जीएस सिलेबस एक है, पढ़ने का समझने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो अब हम, क्योंकि परीक्षाओं का ट्रेंड बदल चुका है, अब एमसीक्यू भी सवाल वही सॉल्व कर पाएगा अच्छी तरह से, जिसकी थ्योरी का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि रिटन एग्जाम को अगर हम लेकर चलेंगे तो यह परीक्षा हमारे लिए आसान हो जाएगी। इसलिए जो हमारा पूरा फोकस होगा वो किस पर होगा, मुख्य परीक्षा पर। तो जो थ्योरी का सेशन होगा, जो हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, ध्यान रहे, जो हम लोग थ्योरी का सेशन पढ़ेंगे वो हमारा प्री और मेंस के आधार पर होगा। और अगर आप चाहते हैं कि सेशन में जुड़े रहें, इस क्लास में जुड़े रहें, तो उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। जल्द ही बीओ की टेलीग्राम की लिंक आपको अलग से मिल जाएगी, ताकि आप लोग वहां पर केवल केवल जो बीओ के अभ्यर्थी हैं, जो बीओ के लोग जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए आसानी से मिलते हैं। उसके लिए टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करके जुड़ सकते हैं, वैसे बीओ के लिए अलग से आपको मिल जाएगा, ताकि आपकी पढ़ाई आसान हो जाए। और दूसरी बात यह है कि इन दोनों में क्या चीजें ऐसी हैं जो हमें साथ लेकर चलनी, कैसे मुख्य परीक्षा में सवाल लिखना है, कैसे पीटी के प्रश्नों को सॉल्व करना है, इन दोनों सेशन की हम एक डेली के डेली वीडियो लेकर चलेंगे। हो सकता है रिकॉर्ड करके उपलब्ध कराएं, हो सकता है सेशन लाइव आपके लिए लेकर जाएं, और एक एक लेक्चर 1.5 से 2 घंटे का, मतलब एक एक टॉपिक हम कवर करेंगे, ताकि हम कम समय में बेहतर और बढ़िया तैयारी कर पाए। तो इसलिए आप सभी लोग, जो लोग इस वीडियो में जुड़े हैं या जो लोग इस सेशन को देख रहे हैं, उनके लिए सीरीज काफी अहम और काफी महत्वपूर्ण होगी, लेकिन उसके लिए आप इस सेशन में बने रहिएगा। मुख्य परीक्षा में ये हमने देखा कि दोनों में जीएसजी के लगभग कॉमन, मैंने एक साथ हम इन दोनों की तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा मेंस में एक पे अगर एक ये हो गया, दूसरा जो होता है हिंदी, हिंदी में भी दो खंड होते हैं, एक होता है क और एक होता है ख। क में अगर हम बात करें, व्याकरण हो गए, व्याकरण सब कुछ आ जाएगा, शुद्ध शुद्ध शब्द, विलोम, समानार्थी, अनेकार्थी, विशेषण, विशेष, सभी चीज आ जाएंगे इसमें। अनुवाद हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद भी आता है। पत्र लेखन, शासकीय अशासकीय पत्र भी आते हैं। तो मुख्य परीक्षा में इस सेशन को भी हम कवर करते हुए चलेंगे। उसके बाद खंड ख से 2 निबंध लिखने होते हैं, 700 शब्दों के होते हैं 2 निबंध। ये निबंध किस तरह से आते हैं, किस तरह से लिखा जाता है, इस पर भी हम लोग एक अलग सेशन लेंगे, लेकिन यह सेशन हम पीटी के बाद हिंदी पर इन सेक्शन पर फोकस करेंगे। सबसे पहले हम प्री और मेंस, प्री और मुख्य परीक्षा जो है उसकी जीएस पर लेकर एक साथ चलेंगे, और जब क्लियर हो जाएगा तो आपके पास समय कम बचेगा, तो मुख्य परीक्षा में, क्योंकि हम प्री के साथ ही मेंस की जीएस तैयार कर ले रहे हैं, अब हमें जो बढ़ना होगा वो हिंदी की तरफ बढ़ना होगा। हिंदी में तब हम निबंध पर काम करेंगे, व्याकरण और पत्र पे, व्याकरण पर अभी साथ में काम करते चलेंगे, तो हमारा पत्र और निबंध बचेगा। तो पत्र निबंध को हम मुख्य परीक्षा के आधार पर लेकर चलेंगे, ताकि हम कम समय में अच्छी तैयारी कर फोकस कर सके सिलेक्शन की तरफ। ये सभी नोट्स आप रिटर्न में भी मिल जाएंगे आपको, पूरी पीटी की आपको, आपको चाहे तो पीडीएफ में मिल जाएगा, और आप चाहे तो पूरी क्लास में जुड़ जाएंगे तो सभी वीडियो लेक्चर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। मेरी पूरी क्लास आपको निशुल्क मिलेगी, देशहित में, राष्ट्रहित में, मेरे द्वारा। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपके लिए सेशन लेकर आता रहूंगा, आगे भी लेकर चलता रहूंगा आपके साथ। तो ये सेशन आपको, मुझे लगता है ये पूरी जो चीजें हैं वो समझ में आ गया। इसकी जो सिलेबस की वीडियो मैंने एकदम डिटेल में बना दिया है आपको, ताकि कोई भी सवाल आपके मन में जहन में है तो उसके सवालों का जवाब आपको आसानी से मिल सके। अब कुछ लोग कहेंगे, सर अभी भर्ती नहीं, अपनी तैयारी क्यों करें, तो आपके ऊपर है,
क्योंकि इसकी संख्या 300 के नियर अबाउट होती है। तो खासकर जो सरकारी शिक्षक हैं, जो पहले से शिक्षक बन चुके हैं, वो चाहते हैं कि मैं खंड शिक्षा अधिकारी बनूं उनके पावर को देखकर, तो वो बीएड के अभ्यर्थी इसमें रह सकते हैं, क्योंकि इसमें बीएड के अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे, बीटीसी डीएलएड के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग के मन में आ रहे हैं कि टेट सी टेट नहीं, मैंने शुरुआत में बता दिया टेट सी टेट इसके लिए नहीं है। इस वीडियो को सभी को शेयर किया करिएगा, अगर आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक, जहां भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर करिएगा। कोई सवाल, कोई प्रश्न हो तो कमेंट करिएगा। आप चाहते हैं किस तरह से हम क्लास लेकर आए तो वीडियो में कमेंट करिएगा, हम आपके हिसाब से क्लास लेकर आएंगे। आप चाहेंगे एमसीक्यू की सीरीज हम शुरू कर देंगे, आप चाहेंगे तो हम जीएस की सीरीज शुरू कर देंगे, आप जिस तरह से चाहेंगे हम आपके लिए उस तरह का सेशन लेकर क्रमवार रूप से स्टेप बाय स्टेप आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। खंड शिक्षा अधिकारी बनने का सपना आपको साकार करना है तो आपको अपना बेस्ट और बेहतर देना होगा, और अपने कल के लिए आज से ही शुरुआत करनी होगी। इसके लिए किताबों की लिस्ट मैंने बना रखी है, फिर भी चाहे तो एनसीईआरटी के साथ ही इसकी शुरुआत करिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी शुरुआत करने में एक फायदा आपका होगा कि जो मुख्य परीक्षा के लिए कुछ लोग प्री तो क्लियर कर लेते हैं, मुख्य परीक्षा में उनका डामाडोल हो जाता है, और आप जानते हैं कि दोनों परीक्षाएं आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो एनसीईआरटी आपके लेखन शैली को, आपकी एमसीक्यू शैली में जो आजकल सवाल पूछे ना ट्रेंड, वो आपका क्लियर हो जाएगा, साथ ही साथ किस तरह के सवाल पूछे थे वो भी। और हम कोशिश करेंगे इसके प्रीवियस ईयर पेपर पे भी, मुख्य परीक्षा के प्रीवियस ईयर पेपर है उस पर भी हम लोग काम करें। फिलहाल ये वीडियो अपने साथी मित्रों को शेयर करिएगा, मिलते हैं नए सेशन नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, क्योंकि अभी की बार एक्सिट हमारे का सपना पूरा करा है, खंड शिक्षा अधिकारी बनना है, और जो भी बीएड के अभ्यर्थी उन तक वीडियो को आपको पहुंचाना है, और आप चाहते हैं हम आपके लिए रेगुलर क्लास लेकर आए तो आप भी सेशन के लिए साथ बने रहेगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। कोई सवाल प्रश्न हो वीडियो में कमेंट कर सकते हैं इस सेशन में, चाहे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पर, चाहे इंस्टाग्राम, कहीं भी आप जहां भी वीडियो को देख रहे हैं अपना सवाल छोड़ सकते हैं ताकि हम उस पर जवाब ला सके। सोमवार से आपके लिए सेशन क्लास शुरू हो जाएगी, तो सोमवार से कॉपी कलम मानचित्र लेकर साथ बैठेगा, क्योंकि भूगोल पढ़ना है तो मानचित्र, इतिहास में भी हम मानचित्र का प्रयोग करेंगे, और संविधान अगर आपको पढ़ना है तो चीजों को समझना होगा। फिलहाल अभी आप ये मान के चलिए चुनाव के बाद आपको भर्ती देखने को मिल सकती है, अधियाचन के लिए देखे पदों का ब्यौरा श्रेणीवार न होने की वजह से आयोग इस पर अभी रुका हुआ है, तो जल्दी आयोग इस पर अपनी स्थिति साफ कर देगा और तब आपके पास समय कम बचेगा, इसलिए आज से अपने कल पर लग जाइए, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, थैंक यू।